वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कल नीट का पेपर हुआ और पेपर देने के बाद जो बेचैनी आप सभी की होती है, आपका टीचर अगर ट्रू टीचर है तो वही बेचैनी आप फील करोगे कि उस टीचर को भी हो रही होती है। जितना ख्याल आपको होता है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं आपके टीचर को, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे ज़्यादा, लेकिन कम भी नहीं होता। तो मैंने जहाँ मैं पढ़ाता था उन तीन या चार कोचिंग्स के टीचर्स से बात की, क्योंकि हर बच्चे से बात नहीं की जा सकती, उन टीचर्स ने अपने बच्चों से बात की। तो एक डेटा जो कलेक्टिव मेरे पास आया, मैं सिर्फ केमिस्ट्री के डेटा की बात करूँगा, क्योंकि मैंने 60 to 70,000 स्टूडेंट्स को टच किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू टीचर्स के माध्यम से। तो जो डेटा मेरे पास केमिस्ट्री का आया वो ये आया कि 60 से 70 हज़ार बच्चों में सिर्फ अभी तक एक बच्चा ऐसा मिला जिसका केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन सही है। वो NTA ने जो 10.5 इनोट सेल दिया था, यानी कि 1.05 की जगह, वो भी उसने सही किया। आपने भी कहीं ने सही किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अगर आपने थोड़ा बग दिया होगा, अंडरस्टूड था कि 10.5 ई नोट होता ही नहीं है, तो 1.05 रखने से आंसर आ गया। लेकिन बात इस बात की नहीं है कि इस क्वेश्चन को सही किया, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे गलती हो सकती थी, लेकिन एक बच्चा। ये डेटा मैंने क्यों कलेक्ट किया, जिससे आपको पता लगे कि अगर आपका कितने क्वेश्चंस गलत हैं तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो या क्या कट ऑफ जाने वाली है, एक हेल्प मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, 60 से 70 हज़ार, हो सकता है ये 50 हज़ार बच्चे हों या 80 हों, इतना आइडिया नहीं दे सकता, बट यस, एक बल्क होता है। कई जगह पे ऐसी कोचिंग्स हैं जहाँ पर एक साथ 250 बच्चा पढ़ता है या 300 बच्चा पढ़ता है, और एक पर्टिकुलर टीचर कितने बैचेस ले रहा होता है, आइडिया लग जाता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं कि सिर्फ एक बच्चा अभी तक ऐसा मिला इन 60-70 हज़ार बच्चों में कि जिसके सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सही हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर द आंसर की मिली है। माय डियर स्टूडेंट्स, 12 बच्चे ऐसे मिले जिनका एक क्वेश्चन गलत है, एक भी गलत नहीं वाला, सिर्फ एक बच्चा मिला, और 12 बच्चे ऐसे मिले जिनका एक गलत है, दो गलत वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और फिर 3-4 की तो बात ही नहीं है, उसमें तो आप सभी आते हैं। तो ये डेटा मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी रिजल्ट पे पहुँच पाऊँ, मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ कि बेचारे जो परेशान हैं कि मेरे केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिनके 4 गलत हो रहे हैं तो 2 तो सभी के गलत हो रहे हैं। बहुत रेयर बच्चा है 60-70 हज़ार में जिनके 12 बच्चे हैं जिनके एक गलत है, बाकी तो 2 गलत वाले तो सभी हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये एक डेटा मैंने बहुत रिसर्च के बाद दिया है। अगर आप भी ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं, सच्ची बात हो, गलत डेटा नहीं तो मत भेजिएगा, यानी कि आप किसी को जानते हैं वो मत लिखें। आप अगर खुद हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि इस केमिस्ट्री में आपका एक भी गलत नहीं हुआ या सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, राइट, क्योंकि 3 गलत होने वाले, 4 गलत होने वाले, 2 गलत होने वाले बहुत हैं, 1 या 2 गलत होने वाले या 1 भी गलत नहीं होने वाले, सबसे पहले 1 भी गलत नहीं है तो मोस्ट वेलकम लिखकर बताएं, 1 गलत है तो भी मोस्ट वेलकम लिखकर बताएं, मैं आपका वेट करूंगा, राइट, ऑल द बेस्ट। बट गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलत इन्फॉर्मेशन कई बच्चों के दिल की धड़कने बढ़ा सकता है। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन किसी की, मतलब कितनी फीलिंग्स की कदर करते हुए सच्ची इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, राइट। फिर मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में या पढ़ते पढ़ते। ऑल द बेस्ट।